नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मिर्ची बड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो मिर्ची बड़ा बनाने के लिए हमें हरी मिर्च जो बाजार में बड़ी साइज में आती है वही मिर्ची चाहिए। जो हम तड़का अथवा फोरन में डालते हैं वो मिर्ची नहीं चाहिए, वो तीखी होती है और ये तीखी नहीं होती है। इसी का सब्जी भी बनाई जाती है, तो यही लेंगे। और 300 ग्राम लिए हैं मैंने ये हरी मिर्च। अभी ये बाजार में इजीली अवेलेबल है, जारे में ही मिलती है ज़्यादा। बेसन 200 ग्राम लिए हैं और आलू 350 ग्राम को उबाल कर और छिलकर अच्छी तरह से इसे मैश कर लिए हैं। देखिए, तो अब सबसे पहले एक बाउल में ये बेसन डालकर और पकौड़ा के लिए बैटर बना लेते हैं। तो पानी इसमें डालेंगे, एक ही बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए इसे घोल लेंगे, लम्स नहीं बनेगा। और बैटर हमारा बहुत गाढ़ा और पतला भी नहीं चाहिए, बैटर हमारा पोरिंग कंसिस्टेंसी की चाहिए। तो घोलते हैं पहले और देखते हैं। तो देखिए, इस तरह का बैटर चाहिए हमारा। तो अब तैयार हो चुका है बैटर। इसमें मसाले डाल लेते हैं जो हम डालेंगे इनमें। तो हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नमक 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और एक काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच लिए हैं। इससे कलर अच्छा आएगा पकौड़ा का। तो अब इन्हें मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब इन्हें एक साइड में रख लेते हैं और मिर्ची को तैयारी करते हैं काट कर। तो मैंने पहले से ही इसे काट कर रखे हैं और एक बाकी रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से काटना है। देखिए, इस तरह से मैंने काट लिए हैं, बीच से निकाल लिए हैं बीज सारे। देखिए, मैं आपको दिखाती भी हूँ काट कर कैसे निकालना है बीज। तो इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे और उस साइड से एक साइड से जुड़े रहने देंगे, पूरे नहीं काटना है हमें। इस तरह से देखिए, और इस तरह से इसे हल्के हाथों से इसका बीज निकाल लेंगे हम। देखिए, इस तरह से मैं निकाल कर रखे हैं सारे बीज। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक पैन में 1 बड़े चम्मच तेल डालकर और गैस ऑन कर लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तो अब तेल गर्म हो चुका है, इनमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 2 हरी मिर्च को काट कर रखे हैं वो भी डाल लेते हैं। और इस तरह से थोड़ी देर चला लेते हैं इन्हें। अब इसमें डालते हैं 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें डालते हैं एक कटा हुआ पनीर, थोड़ा सा काट कर रखे हैं। पनीर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी बना सकते हैं, लेकिन पनीर डालने पर और टेस्ट अच्छा आएगा बड़ा का। अब इसमें 1 छोटी चम्मच खड़ा धनिया और खड़ा सौंफ को कूट कर रखे हैं वो डाल लिए हैं। अब इन्हें डाल रहे हैं 1/4 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे स्टफिंग का भी कलर अच्छा आएगा। अब इनमें डालते हैं 1/2 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट और मिलाकर इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। अब इनमें डालते हैं मैश किया हुआ आलू और इन्हें डालकर सारे मसाले में अच्छी तरह से मिलाते हुए थोड़ी देर भून लेते हैं। तो इन्हें मिलाकर भून लिए हैं। देखिए, अब इनमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच नमक और कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डालकर अच्छी तरह से इन्हें मिला लेते हैं और गैस ऑफ कर देते हैं। अब इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम मिर्ची में स्टफिंग भरेंगे। तो अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब ये स्टफिंग ठंडा हो चुके हैं तो मिर्ची में भर लेते हैं। तो इस तरह से चम्मच से भी और हाथों से भी भर सकते हैं। इस तरह से दबा दबा कर पूरी मिर्ची में स्टफिंग भरेंगे, खाली नहीं होनी चाहिए मिर्ची हमारी। देखिए, इस तरह से टाइट करके भरेंगे। तो सारे भर लेते हैं इसी तरह से। तो देखिए, मैंने सारी मिर्ची को भर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें तलते हैं।
तो फ्राई करने के लिए सेम पैन ले लेते हैं और इनमें तेल भर लेते हैं। आप चाहे तो डीप फ्राई करें अथवा शेलो फ्राई करें। डीप फ्राई करने पर मिर्ची का बड़ा फुला फुला लगेगा। तो अब तेल को गर्म होने देते हैं और पकौड़ा के लिए हमें अच्छा गर्म तेल चाहिए, डालते ही फूलना चाहिए पकौड़ा। तो अब तेल गर्म हो चुका है, अब इनमें डालते हैं पकौड़ा। इस तरह से ये मिर्ची उठाएंगे और डिप करेंगे इनमें और इस तरह से डालेंगे। सारी मिर्ची को इसी तरह से डिप करके और डालेंगे। तो देखिए मैंने डाल लिए हैं। तो अब इन पकौड़ों को एक तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं, फिर दूसरी तरफ पलटेंगे हम। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके थे एक तरफ से, तो मैंने पलट लिए हैं। अब उस तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे पकौड़े को। दोनों तरफ पलट पलट कर कंची सेकेंगे पकौड़े को और गैस का फ्लेम अब मीडियम कर लेते हैं। तो देखिए पकौड़ा सिक चुका है, पलट पलट कर मैंने सेक लिए हैं दोनों तरफ से। बहुत ही अच्छा सिका है ये पकौड़ा। तो अब एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं इन्हें। अब बाकी का पकौड़ा भी इसी तरह से सेक लेंगे हम। देखिए कितना अच्छा पकौड़ा बना है, लग रहा है कि अभी ही खा लें। तो अब बाकी का भी पकौड़ा इसी तरह से बेसन में डिप करके और डालते हैं। तो देखिए मैंने सारे पकौड़े डाल लिए हैं, अब इन्हें भी उसी तरह से सेक लेंगे। लीजिए सारे पकौड़े बन चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। लीजिए मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं, अब चलिए इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए मैंने पकौड़ा को सर्व कर लिए हैं। इन्हें हरी चटनी अथवा मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अथवा अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप ये पकौड़ा बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।